अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज डॉक्टर साहर चावला बच्चों की सर्विस पे मैंने बच्चों की हाइट पर एक वीडियो की थी जिसमें बड़े मिलियंस में व्यूज़ भी गए थे जिसमें मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन विटामिन डी थायराइड ये सारे रीजंस बताए थे दो रीजंस जिनकी डेप्थ में मैं नहीं जा जा सकी और जिनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया मैंने कहा आज उस पर वीडियो कर देते हैं बच्चों की हाइट में कमी एक बड़ा अनपॉपुलर रीज़न आपके पास ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से भी हो सकती है अब ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी उन बच्चों को भी हो सकती है जिनके फूड एलर्जी टेस्ट में ग्लूटेन गंदम में मौजूद जो प्रोटीन होता है उससे सेंसिटिविटी हो गई है पता लग गई है और उन बच्चों में भी हो सकती है जिनका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है आपके पास जब आप ग्लूटेन सेंसिटिविटी का टेस्ट कराते हैं चाहे बच्चे में कराएं, बड़े में कराएं कराएं चाहे बड़े पॉजिटिव उसमें आता है जिसमें वो उस पर्टिकुलर उस, उस खास खाने को लेकर एलर्जिक हो एलर्जी से पीछे एक चीज़ होती है सेंसिटिविटी यानी उसके जिसम इसको प्रॉब्लम तो करता है लेकिन वो टेस्ट में डायग्नोज नहीं होती है तो फूड सेंसिटिविटीज़ इंक्लूडिंग ग्लूटेन सेंसिटिविटी आपके पास टेस्ट में डायग्नोज नहीं होती जितने भी बच्चे ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं जिनको गंदुम सूट नहीं करता और गाय बकरी भैंस का दूध सूट नहीं करता जानवर का दूध सूट नहीं करता जब तक आप उनका दूध और गंदुम नहीं छुड़वाएंगे ना उनका कद बढ़ना है ना उनकी सेहत अच्छी होनी है इसीलिए मैं आपको बताती चलूँ वीडियो आगे लंबी और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने कभी नहीं सुनी Uh, मेरी ब्रांड हॉलिस्टिक सिस्टम बाई सार चावला ने वो बच्चे जिनको गंदुम और दूध सूट नहीं करता उनका वेट और हाइट इंक्रीज करने के लिए एक सप्लीमेंट लॉन्च किया है प्रोगेन के नाम से मेरा प्रोडक्ट 100 परसेंट ऑर्गेनिक फूड बेस्ड है पाकिस्तान की सारी अथॉरिटी अप्रूव्ड है ग्लूटेन फ्री है लेक्टोज फ्री है डेरी फ्री है शुगर फ्री है इसमें साबुदाना फूल मखाना मिश्री नारियल बनाना पाउडर आलमंड पाउडर बहुत सारी मैंने चीज़ें डाली हुई हैं जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है डब्ल्यू 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 डॉट हॉलिस्टिक सिस्टम बाई सार चचावला डॉट कॉम वहाँ से जाकर ऑर्डर कर सकती है लिंक पट्टी में आ रहा है फेसबुक वाली ऑडियंस के लिए भी यही लिंक है लेकिन लिंक जो है, वाले करना चाहती हूं वो आपके पास बच्चों में सकता है, की की है, है वैसे तो सेवन टाइप्स ऑफ एनीमिया होते हैं बच्चों में जिस पर इंशाल्लाह हम फिर कभी बात करेंगे लेकिन जो न्यूट्रिशन की कमी के साथ एसोसिएटेड है की बात नहीं कर रही हूँ उस वक्त यानी जो आपको विरासत में हैं न्यूट्रिशन की कमी के साथ आयरन एसोसिएटेड है माइक्रोसिटी मैं एसोसिएटेड है और मैक्रोसिटिक एनीमिया एसोसिएटेड है अब आयरन डिफिशेंसी एनीमिया वो आपके पास खून की कमी है जो आपके पास डाइट में आयरन कम होने की वजह से या जिसमें आयरन अच्छा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा उसकी वजह से होती है डाइट में आयरन की कमी कब होगी जब आपके पास बच्चे गोश्त नहीं खा रहे हैं हरी सब्जियाँ नहीं खा रहे हैं और जिसमें एब्जॉर्ब कब नहीं होगा जैसे जब बड़े लोगों के हाजमे का सिस्टम ठीक नहीं होता स्टमक में एसिड कम होता है आंतें हेल्दी नहीं होती गढ़ में गुड बैक्टीरिया कम होता है तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता तो उसी तरह बच्चों में भी एब्जॉर्ब नहीं होता माइक्रोसिटिक एनीमिया यानी में आपके जो खून के सेल हैं, उनका साइज माइक्रो हो जाता है छोटा हो जाता है ये आपके पास होता है ज्यादातर वाइटामिन सी और वाइटामिन बी सिक्स की कमी से विटामिन सी uh, की कमी किन लोग किन बच्चों में हो सकती है विटामिन सी हमारी बॉडी नहीं बनाती है अराउंड 100 मिलीग्राम बच्चों को रोज़ बाहर से चाहिए जैसे आपके पास लेमन में मौजूद है सिट्रस में मौजूद है आंवला में मौजूद है अनार में मौजूद है नाशपाती में मौजूद है अमरूद में मौजूद है uh, मैं uh, आपके पास सारी प्रोबायोटिक फूड्स में मौजूद है कैबेज में मौजूद है हरी सब्जियों में भी वाइटामिन सी मौजूद है लोगों को ये नहीं पता आपको पता है दुनिया में आंवला का रिचेस्ट सोर्स क्या है वाइटमिन uh, सी का रिचेस् सोर्स क्या है आंवला है आपके पास uh, अगर आप चाहें तो अपने बच्चों की डाइट में एक टीस्पून स्पून आमला पाउडर किसी भी उनको uh, उनके स्मूदी में शेक में उनके दलिए में किसी भी चीज़ में डाल के दे सकते हैं उनके वाइटमिन सी की कमी पूरी हो सकती है मैं अपनी ब्रांड के प्रोडक्ट्स का शिपमेंट लिंक तो आपको बता चुकी हूँ मेरा आंवला पाउडर भी है वो भी आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया बच्चों में क्यों होगा मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा जब सेल्स का साइज़ मैक्रो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है और सेल्स का साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा तब होता है जब आपके पास वाइटमिन बी की कमी हो इस उसको मैगैलो मैक्रोसिटिक एनीमिया भी कहा जाता है यहाँ पर सेल जो है अपने फाइनल फॉर्म में अपनी एंड वाली शेप में पहुँचने से पहले एक बीच वाले फेज़ में फंस जाता है जिसमें उसका साइज़ फूल जाता है और वो डिवाइड नहीं हो पाता क्योंकि उसने जितने नंबर में तकसीम होना था डिवाइड होना था वो नहीं हो पाता तो वो फूल जाता है और इस मैक्रोसिटिक मैगैलो एनीमिया की रीज़न होती है वाइटामिन बी की कमी और अगेन ये किन बच्चों को होती है जो बच्चे रेड मीट नहीं खाते हैं अपने बच्चों को ऑर्गेन मीट से रेड मीट से हैं ताकि उनमें सारी चीज़ों की कमी ना हो और इन तीनों को आप अर्ली एज में कैसे अर्ली टाइम पर कैसे डायग्नोज कर सकते हैं स्टफी नोज बच्चों को खांसी होगी डायरिया होगा नॉजिया होगा वॉमिटिंग होगी इरिटेट होंगे चीजें याद नहीं होंगी बॉडी में एनर्जी लो होगा स्किन पेल होगी नाखून वीक होंगे डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होंगे कद नहीं बढ़ेगा और सांस बहुत ज्यादा फूलेगा आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी इन्फॉर्मेशन वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़